नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि शेर का शपथ समारोह है, एक अकेला सैकड़ों पर भारी। ये आगाम है उस दुर्गामी सोच का जो दुनिया में नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में दर्जनों राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। जहां वो है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, मगर सवाल बहुत सारे हैं। किस किस देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 30 मई को राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे पीएम मोदी, मगर क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंचेंगे? भारत ने उन्हें बुलाया है या नहीं? इसके साथ साथ इससे बड़ा सवाल एक और है, क्या ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी? इस सवाल के जवाब के लिए जब ममता बनर्जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी शपथ ग्रहण समारोह में। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मैं अभी तक दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ, वह राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के कई सारे मंत्री भी इस समय शपथ लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मोदी देश के ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने न केवल अपने बूते पर बहुमत हासिल किया बल्कि सहयोगियों के साथ मिलकर के 350 का आंकड़ा भी छू लिया। हालांकि बीजेपी और सहयोगियों ने इस बार 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की, एनडीए को कुल मिलाकर के 352 सीटें मिली हैं। अगर उधर कांग्रेस की बात करें तो उन्हें केवल 52 सीट ही मिल पाई। राहुल गांधी के साथ साथ कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से जीतने में सफल रहे, लेकिन अमेठी की सीट जहां पर उनकी सत्ता थी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट बचाने में सफल रही, जहां पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत हासिल की। हालांकि ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि मैं अभी तक दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ, वह राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, ऐसे में मैं भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लूंगी। प्रधानमंत्री 30 मई को शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इमरान खान को न्योता नहीं दिया गया, जिससे पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मच गई है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बधाई दी और ये कोशिश की कि इस शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें भी बुलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे सरकार का संदेश साफ है कि गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। पिछली बार की तरह इस बार भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मेहमान बनकर आएंगे। पिछली बार जहां मोदी ने सार्क देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाया था, तो इस बार बिम्सटेक देशों को न्योता भेजा है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया, जबकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा था। यानी इस बार भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी की शपथ में आएंगे, लेकिन इमरान खान नहीं पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत के किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। चीन को छोड़ करके एशिया का हर देश शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा, जिसके साथ भारत की सरहद है, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। राष्ट्रपति 30 मई को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री को केंद्रीय कैबिनेट के दूसरे सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन सवाल है कि बिम्सटेक देशों को क्यों बुलाया गया है और क्यों खास है बिम्सटेक भारत के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अपने शपथ ग्रहण समारोह में दूर रखकर पड़ोसी देशों को ये संदेश भी दे दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह ये एहसास दिलाने जा रहे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं कि भारत इस पड़ोसी देश को अलग थलग करना चाहता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके बिम्सटेक देशों को न्योता भेजा है। अगर बात करें कूटनीतिक की तो कूटनीतिक रूप से यही कदम सही रहा। पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सार्क देशों को बुलाए जाने से बेहतर है कि बिम्सटेक देशों का विकल्प ठीक रहेगा। अब आपको बता दें कि बिम्सटेक देशों का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोर
ऑपरेशन होता है। ये शब्द अलग अलग करके हमने इसलिए बताए हैं कि इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में बसे वो देश जिनकी सरहद भारत के आसपास है, वो है बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड इसमें शामिल हैं। भारत के लिए ये देश इसलिए खास हैं क्योंकि भारतीय कंपनियों को एक बहुत बड़ा बाजार मिलता है, और सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि चीन की बढ़ती शक्तियों के ये सारे देश परेशान हैं, और भारत इन सब के लिए एक बेहतर संबंध बना करके बंगाल की खाड़ी में अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। आपको बता दें कि हर साल बिस्मटेक का सम्मेलन होता है और ये तय होता है कि आर्थिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मोदी की प्रचंड जीत को दुनिया के हर एक देश ने सलाम भेजा है। 2014 में मोदी जब पहली बार पीएम बने थे तो सार्क के सदस्य देशों ने बधाई दी थी और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया था। पड़ोसियों की अहमियत नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं। इनसे बेहतर सबूत का क्या हो सकता है कि जब मोदी किसी देश में पहुंचते हैं तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने आते हैं। खैर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शपथ ग्रहण समारोह में जिन देशों को बुलाने वाले हैं उनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं होंगे। इसी के साथ आप देखें पल पल की यह विशेष रिपोर्ट।